इस पे पूरा 18 पूरी गीता है, पूरा 18 अध्याय गीता का है पूरा। हमने इस पे कितना कपड़ा लगा सबसे पहले तो आप हमें यही बता दें। सर मैं टेबल पे 30 मीटर कपड़ा पूरा रखा था, वो ये गीता 22 मीटर हुई तो कपड़ा यहाँ से काट दिया। फिर मैं 5.5 मीटर में अभी आपको दिखाते हैं श्री विष्णु शास्त्र नाम है, उसके बाद आरती तो इसमें आपने देखा, उसके बाद श्री हनुमान चालीसा है, उस हनुमान चालीसा और विष्णु शास्त्र नाम को हमने ऐड करके एक श्रीमद् भागवत गीता। और आप देख लीजिए बंडल एक तरीके से बना के रखा गया है। आज तक कभी भी आपको देखने को ऐसा नहीं मिला होगा जो मैं दिखाने वाला हूँ। मैं सिर्फ दिखाऊंगा, वो तो सारे कारनामे अली साहब के हैं, मेरा कुछ इसमें वो रोल नहीं है, सारे कारनामे सर के हैं। तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए, उसके बाद आप शुरू करिए कि जो जो कुछ भी आपने लिखा वो दिखाइए। आपने इस लेखनी का काम शुरू कब किया? सर लेखनी का काम 14-15 साल की उम्र से ये काम हम करते चले आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जिस टाइम के स्कूल में पढ़े हुए हैं पाठशाला के पढ़े हुए हैं, और पाठशाला में चूँकि लेखनी का बहुत हमको शौक़ था तो बाकी सब्जेक्ट पूरा नहीं होता था, तो मास्टर सब बहुत मारते थे। घर आते थे तो पिताजी भी डांटते थे। एक तरह से नसीहत मिली, प्रेरणा मिली, ऊपर वाले का कर्म था। और उसके बाद ये जो कपड़े के ऊपर की आप लेखनी देख रहे हैं, इसको 14-15 साल की उम्र से हमारे वहाँ सर जब कोई गुजर जाता है ना तो उसको हाफ मीटर कपड़े के ऊपर में, सूती कपड़े के ऊपर में शुद्ध मिट्टी या ज़ाफरान से उसको लिख के उसके मैयत के ऊपर में वो श्लोक चढ़ाना पड़ता है, उसको हम लोग शहादतैन बोलते हैं। हाँ, शहादतैन ये कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये कुरान के अंदर का श्लोक होता है। शहादतैन यानी गवाही देना, और गवाही में इसका शाब्दिक अर्थ है अल्लाह एक है, अल्लाह के हमारे परिवर्तक, हमारे हुजूर, हमारे मोहम्मद, हमारे उनके दूत हैं, और अल्लाह की किताब भेजी हुई जिसको हम लोग कुरान कहते हैं, वही सारी चीज़ इसको दर्शा के उसके ऊपर में लिखना पड़ता है। इसमें टाइम सर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसमें 2-2.5 घंटा लिखने का काम रहता है, और इसको लिख के तुरंत देना पड़ता है। इसलिए कि आप देखेंगे कि मैयत बहुत ज़्यादा रखने की चीज़ नहीं है, किसी भी समाज कास्ट की हो तो सारा काम छोड़ के इसको करना पड़ता है। चाहे रात में 2 बजे कोई आ जाए, चाहे दिन में 12 बजे कोई आ जाए, इसको अपना बाकी चीज़ छोड़ के इसको देना पड़ता है। इसको हम लोग बहुत सवाब का भी काम पर्सनली हम समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आगे चाहूँगा कि आगे आपने जो कुछ भी लिखा है वो धीरे धीरे दिखाइए। कपड़े पर लिखा हुआ वो भी हाथ से, गंगा माँ की गोद से मिट्टी ले आते हैं और उसी मिट्टी से लिखते हैं। अब देखिए ये आप देखिए, आप रितेश भाई यहाँ इधर से पकड़ लीजिए। हाँ सर, इस पर क्या लिखा गया है सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, क्योंकि हम इसको पढ़ तो सकते नहीं। सर ये जो आप हमारे सामने ये जो 62 इंची पन्ने का कपड़ा ये 5.5 मीटर में आप देख रहे हैं, ये हमारे कुरान का 30 पैराग्राफ होता है। 30 पारा आपने सुना होगा जी जी। हाँ। तो उसका ये लास्ट पारा है, 30वां पारा, इसको हम लोग अम्मा पारा बोलते हैं। ये उसी पैराग्राफ का 30वें पारे का पूरा पैराग्राफ सर ये हमने ये लेखनी को अरबी लिपि में कपड़े पर उकेरा है, और ये आपके सामने है। 5 मीटर का ये कपड़ा है। हाँ, ये 5 मीटर से कुछ ज़्यादा है। ये 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 कपड़ा जो आप ये बड़ा वाला कपड़ा देख रहे हैं सर, बुक वाला तो बाइंडिंग में अभी है, ये वाला जो आपके सामने इसकी इसको मैं हमारा चूँकि सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है खाने काबा, सऊदी अरब में मक्का के नाम से जाना जाता है, आपने नाम सुना होगा। और उसके बाद दूसरी हमारी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है मदीने मुनव्वरा, हमारे परिवर्तक का शहर माना जाता है। हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे परिवर्तक और हमारे अल्लाह के ईश्वर के दूत हैं। ये दुनिया में उससे शांत, उससे अच्छा, उससे खुशबूदार, उससे मीठा, उससे बेहतरीन शहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उमरा ज़ियारत में हज में हम लोग जाते हैं, और हमारी तमन्ना है कि ये हम सऊदी किंग बिन सलमान को इसको भेज। आपको और चीज़ें भी दिखाऊंगा, जिस चीज़ों का मैंने जिक्र किया, हनुमान चालीसा, गीता, उन चीज़ों को भी मैं दिखाऊंगा कि कपड़े पर किस तरीके से पूरी उकेरने की कोशिश की है। सर ये बड़ा वाला पार्ट ये गीता का है, जो 22 मीटर कपड़ा आपको बताएं। सर ये टेबल जो हमने बनाया था, जो आपको बताया ना, तो उस पर बेटा हमारा 30 मीटर कपड़ा पूरा रखा, इसलिए कि मालूम नहीं ना पड़ेगा कि कितने बड़े में हमारी ये गीता होगी। इसलिए कि स्टार्टिंग पहली बार इसको लिख रहे थे तो ये लगभग 22 मीटर कपड़े में भी, इसका थोड़ा सा हम खोल देते हैं इसलिए कि थोड़ा सा बड़ा मुश्किल कार्य है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपको दिखा, हेल्प करिए, अगर पूरा खुल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए रितेश भाई, आप इधर आ जाओ बेटा, देखिए कोशिश करिए। आप अब आप देखिए, आपको हम बता रहे हैं
सर ये इधर स्टार्ट है, इधर लास्ट। अच्छा यहाँ से स्टार्ट, आप देख लीजिए, यहाँ से ऐसे देख लीजिएगा। श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् भागवत गीता। और आप देख लीजिए बंडल एक तरीके से बना के रखा गया है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि शुरुआत यहीं से हुई है, ये देख लीजिए। देखिए श्रीमद् भागवत गीता अथ प्रथमोध्याय, धृतराष्ट्र उवाच। आप देख लीजिए, और ये जो है ये श्लोक लिखे गए हैं आपको, और श्लोक में कितने अध्याय या कितने खंड लिखे हैं वो हाजिर साद अली साहब हमें बताएंगे कि गीता में आप देखिए, और कितनी शुद्ध राइटिंग में, ये सबसे बड़ी चीज़ आप देख लीजिए कि कितनी शुद्ध राइटिंग में। इसमें भी पूरा खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि जब संस्कृत लिखी जाती है तो उसमें आप समझिए एक बिंदु का कितना महत्व होता है। एक बिंदु अगर इधर से उधर हुआ तो यहाँ पर भी डिफरेंट हो जाएगा, उस शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। आप देख लीजिए, देखिए रितेश भाई आप इधर से मोड़ते रहिए, आप इधर से बिल्कुल, हाँ इधर से आप मोड़ते रहिए, और फिर क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पूरा दिख जाए। साहब कितने मीटर का ये कपड़ा है? सर ये 22 मीटर कपड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं ना सर, बस इसको हमने लिख दिया है। हाँ। और ये लेखनी का जो एक एक पार्ट आप देख रहे हैं ना सर, ये 34 पार्ट है, ये 34, ये नीचे में आप देखेंगे ना नंबर आपको लास्ट में दिखेंगे, ये 34 पार्ट है। हाँ। ये 34 पार्ट ये 22 मीटर कपड़े में, ये गीता का पूरा 18 अध्याय है सर, पूरी। हाँ हाँ हाँ, आरती भी है लास्ट में, देखिए। अच्छा लास्ट में, हाँ आरती है, ये देखिए अंतिम में आपको जय भगवत गीता जय भगवत रीते, ये आरती लिखी गई है, गीता आरती भी है, ये भी आप देख लीजिए। और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये पूरे श्लोक हैं गीता के, सर ने बताया कि पूरा श्लोक लिखा गया है। अब आप देखिए जो हाजिर साद अली साहब ने लिखा है श्रीमद् भागवत गीता, आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए प्रथमोध्याय है और यहीं से इन्होंने लिखना शुरू किया है, और गीता में क्या कुछ लिख दिया है ये अभी हमें बताएंगे, और कितना कपड़ा लगा है वो भी सारी मैं जानकारी इनसे लेता रहूँगा। सर कितना कपड़ा लगा सबसे पहले तो आप हमें यही बता दें। सर मैं टेबल पे 30 मीटर कपड़ा पूरा रखा था, वो ये गीता 22 मीटर हुई तो कपड़ा यहाँ से काट दिया, फिर मैं 5.5 मीटर में अभी आपको दिखाते हैं श्री विष्णु शास्त्र नाम है, उसके बाद आरती तो इसमें आपने देखा, उसके बाद श्री हनुमान चालीसा है, उस हनुमान चालीसा और विष्णु शास्त्र नाम को हमने ऐड करके एक कपड़ा बना दिया। अच्छा, अच्छा। ये एक का एक कपड़ा है आपके सामने जो 22 मीटर है, तो पूरा गीता का अध्याय है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि आप इसको मोड़ते रहें, और फिर जो अगला लिखा गया है वो मुझे दिखता रहे, जो अगला अध्याय है, जो अगला अध्याय, ये द्वितीय अध्याय आ गया, आप देखिए ये दूसरा अध्याय आ गया। कितना सर आपने लिख दिया है पूरी गीता, पूरा गीता लिख दिया है? सर देखिए ये जो आपके सामने है ये पूरी एक कपड़े पे गीता है, और 6 खंड में मैंने गीता की बनाई है, जो बुक में है। अच्छा। वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी। और ये गीता में ये कितना अध्याय आपने इस पर लिखा है? इस पर पूरा 18, पूरी गीता है, पूरा 18 अध्याय गीता का है, पूरा हमने इस पर कह रहा है, पूरा आपने इस पर। हाँ हाँ हाँ, चलिए आप समझिए कि हिंदी संस्कृत के श्लोक इस पर लिखे गए हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया कि अगर एक भी बिंदु इधर से उधर हुआ या नहीं लगा तो उस श्लोक में उस शब्द से कुछ और अर्थ हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ का पूरा अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। आप देखते रहिए, और जो भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं वो समझें, इस चीज़ को जो समझते हैं, जो गीता को पढ़े हैं या जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं गीता में, कि आप पढ़िए और इसको समझिए, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कोई ऐसी कमी आपको नहीं दिखेगी। राइटिंग की मैं बात करूँ तो पूरी शुद्ध राइटिंग है, और अच्छे तरीके से कितनी है, कितनी खूबसूरत है, कितना लाजवाब है, आप खुद समझिए। इसको देखने के बाद आप खुद समझ में आपको आ रहा होगा, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस कॉटन के कपड़े पर, वो भी गंगा की मिट्टी से। सर इस मिट्टी में और क्या कुछ आप मिलाते हैं? सर ये गंगा की माटी है, और गंगा का हमारा पवित्र जल है, और ये खाने वाली गोंद है प्राकृतिक, इसमें कोई मतलब रासायनिक पदार्थ नहीं है, सब प्राकृतिक चीज़ इसमें लगी हुई है, इसलिए कि भगवान की चीज़ है, इसको शुरू से हम प्राकृतिक चीज़ पे करे ही आ रहे हैं, और कपड़ा भी प्राकृतिक है, वो भी कॉटन का जो ईश्वर का बनाया हुआ है, अल्लाह का बनाया हुआ है, ये शुद्ध आप जो देख रहे हैं टोटल आध्यात्मिक चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ आपको ये बता दें, ये लेखनी में किसी चीज़ को सर स्टार्ट करना तो बहुत आसान है बेटा, ये लास्ट वाला खोलो तो आप ये देखेंगे
जहाँ पे आर्थिक बुक में ख़त्म हुई है इसको मैंने वहीं पे ख़त्म किया है, ताकि वो कपड़ा 22 मीटर में ऐसे हिसाब से सेटिंग किया, इसको मैं एक एक लिखने के बाद दूसरे तरफ नज़र इसलिए रखते रहे कि हमारा कपड़ा लास्ट में सर दो लाइन अगर लिखी जाएगी बाकी खाली लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ी कमाल की चीज़ है कि लिखना कोई चीज़ का स्टार्ट करना तो बहुत आसान होता है, उसका एंड बहुत मुश्किल है। हमने एंड जैसे बुक में ख़त्म हुआ है उसी तरह इसमें ख़त्म किया। वाकई में काबिले तारीफ है कि कुछ भी जगह नहीं बची है। 30 मीटर कपड़ा लेते हैं सर और 22 मीटर पूरे कपड़े में, आप थोड़ा सा भी देख लीजिए, थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा है और लास्ट में गीता आरती भी लिख दी जाती है और फिर पूरा कपड़ा कंप्लीट हो जाता है। और आप देख लीजिए, देखिए यहाँ देख लीजिए आप, इरशाद अली बनारसी, ये देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश, जी जी समोत, ये हिंदी में आपने लिखा है, हिंदी में लिखते हैं भाई, संस्कृत की चीज़ें तो उसी में नहीं लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो 30 मीटर कपड़ा जो आपको बताए थे ना, तो उसी में का 22 मीटर जब कपड़ा कट के गीता का पार्ट अलग कर दिया, फिर मैंने ये 5 मीटर कपड़े पे 4.5 मीटर कपड़े में श्री विष्णु शास्त्र नाम हमने लिखा और उसके बाद ये आरती को लिखा, ये जो आपके सामने है इसको इसी में ऐड कर दिया है ताकि कपड़ा एक का एक ये दिखा। मतलब यहाँ पर भी 5 मीटर जो कपड़ा था वो भी कम्प्लीट ही हो गया, पूरा कम्प्लीट हो गया। देखिए ना आपके सामने सुनो, कहीं कहीं आपको कटा हुआ आपको, ये आप नीचे में विष्णु शास्त्र नाम देखिए, बिल्कुल विष्णु शास्त्र लिखा गया है, ये जो समझ सकते हैं भाई, अभी तो हम नहीं समझ सकते लेकिन जो समझ सकते हैं हमारे हिंदू धर्म के भाई बहन जो भी लोग समझ सकते हैं, आप देखिए ये विष्णु सहस्त्र नाम अस्तोत्रम ये लिखा गया है, आप समझिए विष्णु शास्त्र लिखा गया है ये। और ये भी चीज़ें भाई ये कॉटन के कपड़े पर उसी गंगा माँ की गोद से मिट्टी लाई गई है और वही गंगा जल है, वही पवित्र गंगा जल है बस, और कुछ नहीं मिलाया गया है। और सर ने बताया कि खाने वाली जो गोद होती है बस, वही और कुछ चीज़ें इस पर मिलाया नहीं गया है। सर ये जो गीता में आपने देखा ना, ये गंगा की शुद्ध माटी है, गंगा का पवित्र जल है और खाने वाली गोंद है प्राकृतिक। और कुरान जो हमने लिखा है उसमें जल हमारा काबा का, हमारा पवित्र मक्के का है जिसको हम लोग जमजम का पानी बोलते हैं, और उसमें थोड़ा केसर है जिसको ज़ाफरान बोलते हैं, वो मिला के मैंने कुरान लिखी है और शुद्ध मिट्टी से मैंने गीता लिखी। केसर भी वो भी मिट्टी में ही मिलाई हुई है, कोई बाहरी चीज़ में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं हमारे, अगर उसको आपने लिखा तो कुछ भी जो मिला है वो गंगा की गोद से ही मिला, गंगा माँ की गोद से ही। इसको भी मैंने हनुमान चालीसा भी केसर डाल के लिखी है, आपको भी दिखा रहे हैं। अच्छा, इसकी कवरेज सर हो जाए तो बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि ये तो विष्णुपुरा क्या बताया ये लिखा आपने, ये वो श्री विष्णु शास्त्र नाम है और ये हनुमान चालीसा है, ये हनुमान चालीसा आप देखिए, ओम अहम हनुमते नमः श्री हनुमान चालीसा दोहा, आप देखिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। उसके बाद ये दोहा था, उसके बाद फिर पूरी चौपाइयाँ हैं, उसके बाद फिर आप देख लीजिए लास्ट में, यहाँ पर भी दोहा लास्ट में आता है ना, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ये कंप्लीट पूरा हो गया है, जैसा कि सर ने बताया कि जो गीता लिखते हैं तो 30 मीटर का कपड़ा लेते हैं, 5 मीटर कपड़ा इन्हें एक्स्ट्रा लगता है, तो फिर 5 मीटर बचे हुए कपड़ों पर हनुमान चालीसा और इसको लिख दिया जाता है पूरे अच्छे तरीके से। राइटिंग मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ थोड़ा सा भी पढ़ना जान रहा है तो वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों का इतना साथ है कि ये चीज़ पूरी हो गई। सर बस हम इतना चाहते हैं कि हमारे लिए सेहत के लिए दुआ कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं राष्ट्रपति जी को प्रदान, राष्ट्रपति जी को भाई, मैंने इसको देखा तो मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं इसको ले जाऊँ, लेकिन मेरी अब इच्छा है तो मैं ज़रूर उम्मीद करूंगी सर से, उम्मीद करूंगा सर से कि कभी ऐसा कुछ मुझे भी भेंट करें सर, क्योंकि ये देखने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है कपड़े पर, ऐसा पहली बार वो भी हाथ से लेखनी करके देखने को मिल रहा है। आमतौर पर मैंने पहले भी कई बार बताया कि आपको प्रिंटिंग मिल जाएगी, कंप्यूटर से टाइपिंग करो और प्रिंट कर दो, पेंट से प्रिंट कर दो, लेकिन ये हाथ से लिखा गया। सर इसको लिखने में कितना समय लगा था? सर हनुमान चालीसा 8 घंटा लिखेंगे तो 3 दिन लगेगा, 1 दिन सुखाने में लगेगा सर, इसको लिखने में 4 दिन का आप समय मांगिए, और श्री विष्णु सहस्त्र नाम 1 महीना लगा सर, और बाकी जो है 1 साल उसको जो है पूरी 22 मीटर कपड़े वाली जो आपने देखा ये गीता में लिखने लगा, कुल मिला के सर इसको 1.25 साल लगा इसमें और 1.25 साल बुक वाले में भी लगा सर, 2.5 साल आप मान के चलिए, 1 साल सेटअप सर, 3.5 साल ये हो गया और 1.5 साल हमारी कुरान का सेटअप हुआ,
चार साल में वो कंप्लीट हुई सर, वो समझ लीजिए 2018-19 में वो भी, फिर 2018-19 के बाद ये 2022 में सारी चीज़ कंप्लीट है, सारी चीज़ बाइंडिंग में सर, इसलिए कि ये 24x30 की बाइंडिंग है, ये बहुत बड़ी बाइंडिंग, इतनी बड़ी बाइंडिंग करने के लिए कोई पब्लिकेशन चूँकि बुक छापता नहीं है तो ये मैनुअल काम है, ये हम कई प्रोसीजर से गुजर रहे हैं और इसके बारे में बहुत क्या डिटेल है सर, बहुत जल्दी वो आपके सामने बुक आ जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज़ और है, आप थोड़ा सा इसको लिए रहें, मेरे मन में इच्छा हुई, मेरी दिली इच्छा ऐसी हुई और मुझे लगता कि शायद इसको देखने के बाद बहुत लोगों की ऐसी दिली इच्छा हो कि ये उनके पास तक पहुँचे, तो क्या माध्यम होगा, कैसे आप, अगर कोई किसी की इच्छा है कि मुझे हनुमान चालीसा कपड़े पर इसी तरीके से लिखा मिलना चाहिए। सर देखिए ऐसा है कि ये कार्य तो आपके सामने हम करते चले आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे, जैसे मुस्लिम समाज में आपको जैसे मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह दिखाया, बहुत सारी नज़रबद की दुआ होती है तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते रहे, हम उनको लिख के दे देते रहे और लोगों से ये कहते रहे भैया भगवान की चीज़ें इसको हम बेचना उचित नहीं समझते, आप इसको ले जाओ घर में लगाओ पॉकेट में रखो, भला आपसे महफूज ऊपर वाला इंशाल्लाह कर दे, हमारे लिए दुआ कर देना बस सेहत के लिए। और उसी तरह आपके माध्यम से ये कहना भी चाहते हैं सुनील भाई कि कोई भी आदमी हमसे श्री हनुमान चालीसा हो चाहे आरती हो या घर के लिए बहुत सारी नज़रबद की बहुत सारा श्लोक होता है वो जो लिखवाना चाहता है वो हमारे पास आवे, हमारे बुक में रहेगी लिख देंगे या वो बुक लेके आवे उसको लिख दे कि उसको दे देंगे, उसके लिए हम कोई किसी से कोई चार्ज नहीं करते सर। अब चूंकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं कोई खुशी से कुछ दे देता है तो इसी काम में उसको लगा देते हैं, इसलिए कि हमारा बहुत बड़े बजट का काम है, इसमें कोई बाहरी फंडिंग नहीं है सर। जो लोग हम लोग कुछ सैनी साड़ी के कपड़े के व्यापारी हैं तो अपना पेट काट के इसी में लगाते हैं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो चीज़ हमारी लेखनी पूरी हो गई है, अब सारी चीज़ बॉक्स वगैरह सेटअप बन रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, उसमें बहुत सारे खर्चा का काम है सर, उसको हम कह नहीं सकते, बस दुआ कीजिए कि ऊपर वाला करा रहा है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। बिल्कुल सर, काबिले तारीफ है आपकी बातों से, कहीं ना कहीं बड़ी खुशी मिल रही है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, किन चीज़ों का आप कह रहे हैं कि वैसे ही दे दिए हैं, दान समझिए, जैसे लोग कहते हैं दान देना, वैसे आप लिख कर इतनी मेहनत करके इतना पसीना बहाकर आप ऐसे दे देते हैं। वैसे भी सुनील भाई हम आपको एक बात बता दें कि ये बचपन से चूँकि हम सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं और अब हम ये जो कार्य देख रहे हैं तो ये कार्य से आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये चूँकि एक धर्म का उसका समाज का कार्य है, तो ये कार्य करते चले आ रहे हैं और थोड़ा सा हम इधर इस काम में बहुत ज़्यादा इसमें बिजी चल रहे हैं ताकि ये चीज़ हमारी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकते कि ये काम है ऊपर वाला जल्दी से जल्दी पूरा करा दे, और दुआ भी ये करते हैं, हमारा परिवार भी साथ देता है, हमारे समाज के काफ़ी लोग जो धर्म से जुड़े हैं या आस्था से जुड़े हुए लोग हैं किसी भी धर्म के हों वो हमारा बहुत साथ देते हैं, हमारे बगल में पंडित जी शिष्टाचार के नाते आते हैं वो भी हमारा बहुत मान सम्मान बढ़ाते हैं और हमको आगे बढ़ाने की वो प्रेरणा भी देते हैं, बस एक तरह से ये कार्य कर रहे हैं। ये सर जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी के ऊपर में, इसकी एक ज़ाफ़रान वाली लाओ, अच्छा नहीं है ठीक, ये ज़ाफ़रान वाली फ्रेमिंग में गई है सर, सेम है अच्छा। वो केसर वाली है अच्छा, ये आरती आपने हाँ राष्ट्रगान दोनों लाओ अच्छा, भैया को हाँ दोनों एक एक चीज करके आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, आप ये देखो एक मिनट भैया इसको ये 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 देखो मुदस्सिर तुम आ जाओ तो इधर, ये राष्ट्रगान जो आप देख रहे हैं इधर आ जाओ, ये मिट्टी का भी है ये और इसका ये भी है, ये दोनों है अच्छा, ये राष्ट्रगान हाँ, राष्ट्रगान हाँ, मिट्टी का मतलब क्या डिफरेंट है इसमें दोनों में, ये इसमें केसर मिला हुआ है सर अच्छा, उसमें केसर उसमें केसर मिला हुआ है और गंगा जल है पवित्र अच्छा, वो प्राकृतिक खाने वाली गोंदे अच्छा, इसमें हाँ इसमें भी वही है अच्छा, केसर इसलिए मिला था कि इसका थोड़ा सा ग्लो बढ़ जाए अच्छा केसर, अब मिट्टी झड़ जाएगी अगर इनकेस कभी फ्यूचर में तो केसर से लेखनी दिखेगी तो केसर से भी लिख सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मगर चूंकि हमारी हॉबी मिट्टी से लिखने की तो केसर उसमें मिला देते हैं कि थोड़ा सा उसमें निखार हो रहा है। बिल्कुल, वो भी गंगा माँ की गोद से मिट्टी हो तो भाई वैसे भी बनारस हमारे बहुत मौज मस्ती का शहर है सर, दुनिया में दो ही शहर है वीनस और वाराणसी, 5000 पुरानी संस्कृति का शहर है, बाबा काशी विश्वनाथ बाबा की धरती के हम लोग निवासी हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहर है, नज़ीर बनारसी का शहर है सर, नज़ीर बनारसी ने 1956 में कहा था जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया था तब उन्होंने कहा था कि अगर इंसान को हर इंसान से मोहब्बत हो जाए यही दुनिया जो जहन्नम है ये जन्नत हो जाए, और सबकी तकलीफ़ उठा लेने के लिए मैं तैयार, मेरी तकलीफ़ अगर बाई से राहत हो जाए। वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब बातें भी सुनकर बड़ी खुशी मिलती है सर। एक आखिरी मेरा सवाल होगा आपसे, ये जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हैं, आपने बीच में भी एक बार जिक्र किया था कि मैं राष्ट्रपति को सौंपना चाहता हूँ, संसद भवन में भेजना चाह रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ पर आप किन चीज़ों को भेजना चाह रहे हैं ये थोड़ा सा आप बता दें। ये सर
सर देखिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। कल ये सर ये मैं जो आपको पूरा एक पारा का आपको यानी एक अध्याय का आपको जो कुरान का दिखाया, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई जो खाने काबा है, इसको हम मक्के में वो सऊदी किंग बिन सलमान को पेश करेंगे। और बुक वाली जो हमारी कुरान की बाइंडिंग है, ये हमारी ईरानी गवर्नमेंट के माध्यम से करबला में जाएगी और भी जगह भी पार्ट जाएगा जैसा वो लोग डिसाइड करेंगे। और ये जो 22 मीटर कपड़े वाली आपने गीता देखा, ये नए संसद भवन के लिए सर, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे काशी के, हम लोगों के पहले वो सांसद भी है, फिर उसके हमारे देश के हम लोगों के अर्दिल अजीज प्रधानमंत्री, ये मैं नए संसद भवन के लिए पेश करना चाहूँगा। और ये जो आपने ये जो पिराम्बल आपने देखा, ये अंग्रेज़ी का मैं राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को ये अंग्रेज़ी का करूँगा, और ये अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को हिंदी का करूँगा। और दूसरी जो आपने आरती वगैरह देखी और हनुमान चालीसा देखी और राष्ट्रगान देखी, और ये मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, ये मैं सबको अलग अलग जगह पेश करूँगा। और ये बुक वाली जो गीता जो बाइंडिंग से भी आ रही है 6 खंड में सर, इसको हम अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चूँकि हमारा बनारस का कॉरिडोर बना हुआ है, मैं अपने बनारस के कॉरिडोर की ये पुस्तक मैं अपने मुख्यमंत्री को भेंट करूँगा सर। ये अलग अलग जगह जाएगी। और ये भारत का हम संविधान लिख रहे हैं, संविधान की वो लाओ तो बुक लाओ तो, संविधान का ये बुक, एक मिनट बुक उधर है, संविधान का जो बुक सर लिख रहे हैं ना, ये आपको ये एक चीज़ थोड़ी सी डिटेल में और बता दें, संविधान का ये बुक, ये जो आपके सामने बुक है ना सर, एक मिनट इसको पकड़ो, भारत का संविधान, हाँ, ये भारत का संविधान, ये 1996 का चौथा संस्करण है, ये मैंने लिया हूँ, ये हमारे हमको एक किसी आदमी ने गिफ्ट किया है। इसमें सर आप जो देख रहे हैं ना, इसमें कलम बहुत पतली मोटी नाटी लंबी चौड़ी इस्तेमाल हुई है, तो इसको लिखना बहुत आसान नहीं है सर। ये लिखेंगे कायदे से तो 5-7 साल का समय लगेगा, इस पर अभी शोध कर रहे हैं, इसको रात दिन इसको पढ़ रहे हैं, इसका सेटअप में लगे हुए, इसलिए कि इसको जब तक ये सेटअप नहीं होगा सर, इसको लिखाई हम शुरू नहीं कर सकते, इसलिए कि हमको 75-80 बुक बनानी है, तो कितने उसमें भाग में बनेगी, कै भाग उसमें हटेगा, और कलम पतली मोटी कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो इसका सर मैंने सेटअप में लगा हुआ है, इसलिए कि संविधान लिखना कोई जो है ये मामूली कार्य नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है सर। इसको मैं रात दिन अभी पढ़ रहा हूँ, ये आपने इसमें देखा होगा एक एक, मैं इसमें सर देखिए ये पढ़ पढ़ के मैं नोट लगाता रहता हूँ, अब इसको इसमें नोट लगाता रहता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी ये चीज़ हमारी पूरी हो जाए, और इसको लगा लगा के अलग रखा हूँ। पहले सर 30 पन्ने की एक बुक का तो मैं इसको सेटअप करूँ के डेमो की पहले बना लूँगा, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ोन करेंगे, आप एक लोग आके कवरेज कर लीजिएगा। और ये संविधान सर अभी मैंने लिखा नहीं हुआ, अभी मैंने ये उद्देशिका बनाई है, अभी ये बुक वाली संविधान को अभी लिखने की अभी तैयारी चल रही है, इसके मैं सेटअप में लगा हूँ। तो आप कहीं ये ना बोल दीजिएगा, बहुत से चैनल वाले बोल दिए कि इन्होंने संविधान को लिख दिया है, ऐसा नहीं है, इसको मैं सेटअप में लगा हूँ। उद्देशिका लिखा, संविधान लिखने की तैयारी है पूरी। ये बुक आप देख रहे हैं, ये आप देखिए तो आपको खुद ही आइडिया लगेगी। हमने देख लिया, अब ये देखिए ये जो इतनी लाइन है ना, ये करीब 24-25-28-30 लाइन आप देख रहे हैं ना एग्जांपल के तौर पे, ये जो हम अपनी ये बुक बनाएंगे तो ये हमारी कम से कम 8-10 पेज बनेगी सर, ये हाँ ये 20-21 लाइन में 8-10 पेज बनेगा, तो आप समझ लीजिए दो पेज में तो ये हमारी एक खंड तैयार हो जाएगी। तो आप बताइए ये इतना आसान है कि मुश्किल है, आपसे मैं सवाल, अच्छा अच्छा कहीं पे पूरा लिखा है, कहीं पे आप आगे देखेंगे तो 2-3 लाइन लिख के ख़त्म हो गया, ये आगे कहीं पर ही देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे इतने पे बैंड हुआ है, अभी इतनी जगह खाली है, तो ये सब में तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना सर, सारा एडजस्ट करना पड़ेगा। बस दुआ कर दीजिएगा सर हमारे लिए, बिल्कुल बस भगवान से प्रार्थना है। हाँ सर, ये देखिए 30-32 किलो की ये एक बुक बनेगी, तो इसकी वजन करीब 9-10 किलो होगी, अब पेटी वगैरह कुंडी वगैरह लेके हो जाएगी कम से कम 30-32 किलो सर, जितनी वजन बढ़ाएंगे तो बुक उठना भी तो चाहिए ना। देखिए बुक 8-10 किलो तक की आदमी आराम से उठा लेगा, तो वो हमारा बाइंडिंग वाला बताएगा कि कितनी वाली उसमें सेटअप में आपकी हो रही है, पहले उसको मैं लिख के सारी चीज से गुजरूंगा, तभी वो चीज ना सर पता चल पाएगी। बिल्कुल सर, काबिले तारीफ है ये आपकी लेखनी, जो प्राचीन काल की हमारी परंपरा थी, जो पहले प्राचीन काल में इस तरीके से लिखा जाता था, ऐसा सुनने को पढ़ने को मिलता है कि ऐसा प्राचीन काल में होता था, लेकिन उस प्राचीन काल की विरासत को आज भी आपको देखने को मिलेगी इस काशी नगरी में हाजी इरशाद अली साहब के घर पर। और ये जो भी लिखा है सर ने, ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर भेंट करूँगा, और मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी, मेरी दुआ रहेगी कि
ये जो भी जहाँ भेंट करना चाह रहे हैं वो हर जगह भेंट हो जाए, इनकी भी दिली तमन्ना है वो तमन्ना पूरी हो जाए। क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा, मैं तो तारीफ़ करते करते नहीं थक पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा तारीफ़ करके बताइएगा, कमेंट में प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा हाजी इरशाद अली साहब के बारे में कि आखिर, क्योंकि अब कह रहे हैं कि हमारे पास शब्द ही नहीं बचे हैं, आप लोग भी जो आपके पास जो शब्द हैं उस शब्द को आप लोग ज़रूर कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, वाराणसी।